रेशियो 75 एक ऐसा ट्रिक मैंने डेवलप किया है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। एक ऐसा ट्रिक रेशियो 75, ये जानिए रेशियो 75 क्या होता है। ये रेशियो 75 वो है जो कि आपको एक माइंड में एक माइंडसेट आपको सेट करनी होगी। वो माइंडसेट आपकी क्या होगी, वो ये होगी कि आप रेशियो 75 मतलब समझिए कि 75% और 25%, कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी एरिया में रेशियो 75 आपको मिलने ही वाली है, हर जगह पर आपको मिलेगी। तो खासकर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आप कोई क्वेश्चन पेपर निकालिएगा, इसका 75% क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा और 25% क्वेश्चन मुश्किल मिलेगा। अब तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी चैप्टर में, आपको तैयारी करने के लिए 75% जो है आपको क्वेश्चन आसान मिलेगा बनाने के लिए चैप्टर में, 25% क्वेश्चन मुश्किल मिलेगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, हमने तो पहले इस चीज़ को देखा तो समझा, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको हम टाइम से जोड़ दिए, यानी कि आपको जैसे वीडियो एडिटिंग करते तो वो इसमें वीडियो और प्लस में नीचे में टाइमलाइन भी चलती है, उसी तरह से हमको क्वेश्चन भी चलती है और नीचे टाइमलाइन भी चलती है और देखते हैं दोनों कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक जाएगी। तो अब जैसे कि क्वेश्चन हमको यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आ रहा है, टाइम भी यहाँ शुरू हुआ, क्वेश्चन के साथ टाइम भी जा रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि क्वेश्चन तो यहाँ से लेकर के यहीं पर जाती है लेकिन टाइम तो अपना मन से बढ़ेगी, क्वेश्चन को जब हम बढ़ाएंगे तभी वो बढ़ेगी लेकिन टाइम अपना मन से बढ़ जाए। हमारे क्वेश्चन को यहाँ शुरू किए स्लो बनाएंगे तो हम यहीं पर रह गए और टाइम यहाँ पे जाकर के यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो देखिए इसको दोनों को हम टाइम से मान दिए, तो टाइम से मतलब जैसे कि 75% क्वेश्चन आसान है तो इसके लिए आपको फुल टाइम का यानी कि आपको 25% टाइम ही लगेगा। 75% क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको 25% टाइम ही लगेगा, लेकिन बीच बीच में वही हार्ड क्वेश्चन जो होता है वो आते रहती। आपको क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चन को आपको डिटेक्ट करके उसको निकाल देना है, उसको छोड़ देना है। तो आपको पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमको इस चैप्टर का 75% क्वेश्चन को कवर करना है, उसके बाद 25% क्वेश्चन में से आपको 15% क्वेश्चन जब आप दोबारा रिपीट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आपकी कवर हो ही जाएगी और कभी भी आप 100% मैथमेटिक्स को कवर करने की कोशिश नहीं कीजिए, कभी भी नहीं, ये आपका टाइम को लॉस कर देगा। अब देखिए इसमें लॉसिंग क्या होती है, अब मैं स्टूडेंट को मैंने क्या देखा, अब उसको जब जैसे ही भारी क्वेश्चन आया उससे नहीं बना या कोई बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है तो अब वो क्या करता है, उसी क्वेश्चन वो फोकस कर देता है, फुल फोकस करता है और अपने टाइम का 75% टाइम जो है उसी हार्ड क्वेश्चन को कवर करने में वो बिता देता है, निकाल देता है। तो अब देखिए इसमें कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू है। आप यदि सोचिए 75% टाइम हम 25% क्वेश्चन को कवर करने के लिए दे रहे हैं, जबकि देखिए हार्ड क्वेश्चन बनाने पे भी हमको 1 नंबर मिलती है, आसान क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 1 नंबर मिलती है, लेकिन हमको 25% टाइम में हमको 75% कवरिंग हो रही है। एक तरफ 75% टाइम में 25% हार्ड क्वेश्चन भी कवरिंग नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कवर करनी 100% आसान भी भारी भी, लेकिन आपको आसान पहले करना है 75%। 75% देखिएगा कि 25% देखिएगा, 75% ही देखिएगा, इसमें हमको टाइम भी जा रहा है कितना 25%। अब क्या करना है, 75% क्वेश्चन के लिए 25% टाइम लगाइए और 25% टाइम यानी कि अब सोचिएगा कि उसमें से भी 25% टाइम निकाल के और लगा दीजिए, यानी कि 75% आसान क्वेश्चन में ही, यानी कि आसान क्वेश्चन में ही आप 75% टाइम लगा दीजिए, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको डिटेक्ट करके उसको छोड़ दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, सबके लिए भारी है और जो क्वेश्चन इसलिए देता है एग्जाम में ताकि आपका टाइम लॉस कर सके, आप कंपटीशन से बाहर हो जाए। आपको 75% यदि नंबर लाते भी है ना तो आपका रिजल्ट जनरल में हाई रैंकिंग में जाएगी, कॉम्पिटिटिव यानी कि इस चीज़ को छोड़ ही दीजिए। तो हम फिर अगले में बात करेंगे इस बारे में भी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ये सब क्या होता है। तो देखिए रेशियो 75% समझ गए, टाइमिंग का आप 75% टाइम को दीजिए 75% ईजी क्वेश्चन में और 25% टाइम जो है उसको बस एक दो बार दीजिए टाइम हार्ड क्वेश्चन में। हार्ड क्वेश्चन आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, वो आपके एक्सपीरियंस से आपके माइंड नॉलेज से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तो हमको नहीं बनता है क्वेश्चन। तो यही था
कि रेशियो 75। अब देखिए हम बात ये तो रहा तैयारी के लिए, अब हम बात करें रेशियो 75 का एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। रेशियो 75 एक ऐसा चीज रहता है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर एक से हम स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हमको भारी भारी क्वेश्चन आते रहता है, तो भारी क्वेश्चन जैसे ही मैंने क्वेश्चन में एक से स्टार्ट किए 9 तक गए, 10वां क्वेश्चन आपको भारी आया, लगता आसान है बन जाएगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन मुश्किल होता है, आपसे पॉइंट में उलझा देगा, आपको बट्टा करके उलझा देगा, या फिर आंसर उसका करीब देकर के आपको उलझा देगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन देकर आपको उलझा देगा। तो अब देखिए ऐसे इस तरह क्वेश्चन को आपको डिटेक्ट करके इसको बाहर कर देना है, वो कैसे तो वो देखिए इसको कैसे आपको डिटेक्ट करना है, आपको कैसे उसका पहचान करना है, एक बार उसको बनाइए, दोबारा उसके बारे में सोचिए, नहीं बना उसको छोड़ के आगे निकलिए, क्योंकि यदि आप उसको ट्राई करने के लिए उसको टच किए दोबारा तो आपका 5-7 मिनट लॉस हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरा 5 मिनट लॉस हो गया, जबकि उस 5 मिनट में 20 और क्वेश्चन को आप कवर कर सकते, बना सकते थे। तो इसलिए रेशियो 75 को मानिए आप, और इसको देखिए जो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको एक से स्टार्ट करनी है, आपको 100 तक जाना है, और 75% क्वेश्चन को आप 25 से लेकर 40% टाइम में आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, उतना नंबर बना सकते हैं, जो बच गया 25% क्वेश्चन इसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो टाइम हम निकालेंगे आसान क्वेश्चन में से, उसका ये 25% क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन यानी कि 15% क्वेश्चन आपको बन ही जाएगी, यानी सोचिए 90% क्वेश्चन बना खाते हैं, 2-4% क्वेश्चन आपको गलत तो होगा ही होगा, यानी 80% नंबर हम लाते हैं इस तरह से आप अपनाते हैं रेशियो 75 पर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है रेशियो 75, एक्चुअली ये माइंड ट्रिक है, और हम साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं पॉजिटिव माइंड में, और इस तरह से आप पॉजिटिव माइंड रखिए, और ऑल दी बेस्ट आपकी हर एक एग्जाम में, और हमको उम्मीद है आपको रेशियो 75% आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो हम लाइक करते हैं, यानी कि एम करते हैं आपको 600 लाइक का, प्लीज़ कर दीजिए लाइक, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और कमेंट करके बताइए कि रेशियो 75% क्वेश्चन आपको बोरिंग लगी, सुनने में तो थोड़ा बोरिंग लगा हो, क्योंकि यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हमने 7 मिनट का इसी तरह बिता दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप रेशियो 75% को अपने माइंड में उतारिए, और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, आप यदि समझदार स्टूडेंट है तो इसको ज़रूर पसंद कीजिएगा। अब प्लीज़ कमेंट करके बताइए रेशियो 75% क्वेश्चन, रेशियो 75 आपको कैसा लगा, या फिर आपको समझ में नहीं आई तो लिख दीजिए समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, प्लीज़ यदि आप पहली बार हैं तो रेशियो 75% की तरह आप 75% यदि आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, बेल आइकन उसका बगल में घंटी का सिम्बल हो उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।